काफी कुछ सीखने को मिलेगा और काफी कुछ एक्सचेंज करने को मिलेगा. सो या लाइक या बट एवरीबॉडी आर यू रेडी फॉर सीजन 03 रिप्रेजेंट. ओए क्विकली, आई एम श्योर बहुत सारे सवाल है आपके मन में, तो एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क हिम अ क्वेश्चन राइट नाउ. अभी मोमेंट है, एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन. या कैन वी पास द माइक देयर प्लीज, एंड थोड़े हाउस लाइट्स लगा दीजिए, कुछ दिख नहीं रहा है, या फिर वो फोकस. हाँ जी सर, दिख गए. माइक दे दें कोई उनको प्लीज. डू वी हैव अ माइक हियर और ओके आ गया. आपका नाम कहाँ से आया एंड योर क्वेश्चन. नो इट्स ओके. हाय मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड. हेलो सर. बादशाह जी, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सभी कंटेस्टेंट्स को. मैं सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में ये पहली बार मैं हसल के बारे में मुझे पता चला है. ओह वाओ. तो इस चीज़ के लिए आप लोग जो मुझे सज़ा देना चाहे आप दे सकते हैं. नहीं बट इतनी यही आपकी सज़ा, आपको पता ही नहीं है. सर इस आधे घंटे में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे मुझे रैप का वैटिकन दिखा, रैप का मुझे गोल्डन टेम्पल दिखा है, रैप का मुझे वैष्णो देवी, यू नो यू नेम एनीथिंग, द काइंड ऑफ टैलेंट व्हिच आई सॉ ऑन डिस्प्ले, आई एम एब्सोल्युटली ब्लोन बाय इट. थैंक यू सो मच. सर मेरा सवाल ऑब्वियसली बादशाह जी आपसे है कि ऑब्वियसली रैप का जो मेरे जैसे जो है लोग ज्यादातर हम बॉलीवुड में सुनते हैं या फिर पंजाबी पॉप में जी, और आप मैंने आपको भी कई बार सुना है कहते हुए कि जो रैप का अगर हम हिस्ट्री में जाए जी, रैप एक बेसिकली एक कॉमन मैन की आवाज थी, ऑपरेस्ट की आवाज थी जी, और लेकिन जो हमें ऑब्वियसली बॉलीवुड या पॉपुलर कल्चर पंजाबी कल्चर में सुनने को मिलता है लड़की शड़की गाड़ी छाड़ी जी, तो आज जो मैं यहाँ देख रहा हूँ और वही मेरे मन में सवाल आता है कि जो हमारे देश में इतना टैलेंट है रैप का, एक अस्तित्व ट्रू अस्तित्व है, तो वो हमारे पॉपुलर स्पेस चाहे वो बॉलीवुड हो या पंजाबी पॉप में कहीं खो क्यों जाता है. अच्छा सवाल है सर. आई थिंक जो रैप है वो इट्स मतलब एक रिफ्लेक्शन होता है. अब कोई भी आर्ट फॉर्म जो है ना कहीं एक रिफ्लेक्शन होता है ऑफ द सोसाइटी दैट द आर्टिस्ट हैज ग्रो अप इन. फॉर एग्जांपल मैं चंडीगढ़ में पला बढ़ा हूँ तो वहाँ थोड़ा अल्फा मचिस्मो थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो गाड़ी वाड़ी जब है तो उसी की बात करेंगे. तो सिमिलरली आई थिंक डिवाइन हैज़ ग्रोन अप इन अ प्लेस वेर ही इज़ टॉकिंग अबाउट व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट. सौरभ करके एक लड़का है हमारे उसमें हसल में, ही इज़ टॉकिंग अबाउट व्हाट ही सीन. तो मतलब आई थिंक हर तरह की सोसाइटीज, इंडिया बहुत बड़ी जगह है, तरह तरह के सोसाइटीज़ है, तरह तरह के यू नो पार्ट्स हैं, तो हर हिस्से की बात करने वाला कोई ना कोई है. तो मतलब अब उसके बाद ये आता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती है, वही चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती है जिसको लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. सो दैट आई थिंक इट सेल्फ टेल्स अबाउट द सोसाइटी. माइक मेरे ख्याल वन ऑन वन शुरू हो गया मुझे लगता है. नहीं सके बैठते हैं सर, बात करने वाली है ये. माफ करना मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ. हाँ जी प्लीज. सर मैं ये कह रहा था ये जो ऑब्वियसली आपने जो मुझे कहा, बट क्या हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से प्रेशर है कि नहीं जो बिक रहा है बस वही बनाओ और जो रैप का अस्तित्व है कि वो इतना शायद चाहिए नहीं. नहीं नहीं सर, कोई प्रेशर नहीं है. गली बॉय भी बॉलीवुड नहीं बनाई है और राइट और बट कहीं ना कहीं समझ आता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ मनी एट स्टेक, यू नो, सो पीपल वांट टू प्ले सेफ, सो इट्स अप टू द आर्टिस्ट कि वो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते. तो आई थिंक बहुत ही सब्जेक्टिव चॉइस है ये जी. बादशाह या 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 हाँ जी मैम. स्मॉल हाय. नहीं ओके. Abira from NDTV. I wanted to ask you, you know, it's not very easy to make it this big in this industry. Can you tell us your key hustle moments? I think you have to be very self-aware all the time. And I think you have to always have your ear to the ground. जो मतलब मैंने सीखा है. और अब तो सोशल मीडिया आ गया है जिसने चीज़ें बहुत आसान कर दी है. लोग बहुत नेगेटिव समझते हैं बट आई थिंक सोशल मीडिया पे लोग आपको बता देते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हो, कहाँ ठीक जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो. क्या हुआ भाई, बोलोगे?
सो आई थिंक यू नो यू शुड बी मतलब रियलिटी में जीना चाहिए इंसान को, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ईजी है एक अपने आसपास बबल बना लेना. सो आई थिंक की हसल मोमेंट्स मेरे यही होंगे कि जब भी मैं हवा में उड़ने लगता हूँ मेरे घर वाले मुझे नीचे ले आते हैं. तो आई थिंक स्टेइंग ट्रू टू योर सेल्फ इज द की. जी थैंक यू. एक आखिरी सवाल. हाय वाशा, हियर हियर. हाँ जी, हेलो हेलो. आलिम हियर फ्रॉम पीटीआई. हाँ जी. माय क्वेश्चन इज फ्रॉम यू दैट व्हाट्स द यूनिक स्टाइल दैट यू गोइंग टू ब्रिंग इन दिस अपकमिंग सीजन. व्हाट इज द यूनिक स्टाइल ऑफ योर्स. मेरा यूनिक स्टाइल, यस, जो आप इस सीजन में लाना चाहेंगे. सर पता नहीं. नो आई गेसेस. ऑनेस्टली नहीं पता क्या यूनिक स्टाइल होगा, बट कभी मेरा कोई मतलब पता नहीं. थैंक यू. जेन्युइनली थैंक यू. वही तो बात है, सब लोग अपनी अपनी यूनिक स्टाइल, यूनिक स्टोरीज को रिप्रेजेंट करने वाले. थैंक यू वेरी मच. आई'ल टेक द माइक एंड वी हैव अ फोटो अप ऑफ बादशाह एंड देन वी'ल इनवाइट आवर स्पोर्ट पर्सन. ओके, एक सवाल यहां क्विकली ऐसे ही पूछ लीजिए क्योंकि खत्म हो गए हैं हमारे. नहीं नहीं नहीं, यू कीप दैट. थैंक्स बादशाह फॉर अलाउ मी फॉर क्वेश्चन. हेलो सर. हां जी, थैंक यू सर. बादशाह को जज की जरूरत है, खुद ही आप बादशाह हो इस शो के. सर मेरा सवाल है कि आई कुड सी द एंटायर डिफरेंट कम्युनिटी एंड अ रिलीजन परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज. जी सर, इट्स अ रियली वेरी गुड दैट एमटीवी हैड गॉट दिस थिंग. सो एक यंगस्टर्स के लिए भी ये है कि देयर इज नो रिलीजन, देयर इज नो कम्युनिटी. द कम्युनिटी व्हाट इज दिस इज हिप हॉप एंड रैप. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट फॉर दैट. थैंक यू सो मच. सी जरूरी था. Thank you so much. Okay, thank you. So we have Bacha's pictures up. If you want pictures right now, solo pictures, and then we'll get the squad bosses and others on stage. I'll take the mic.